माई फेवरेट 400 मीटर का ग्राउंड ऐसा कैडा। पर यार हमारे गांव का व्यू देखो आप बाहर से, आज आपको अपने गांव का हल्का हल्का सा टूर देता हूँ। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। गाइज आज का दिन है वेडनेसडे और वही वाली बात, उनका घर तो स्टार्ट करने रहा, गांव के बाहर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और गांव के बाहर से भी कहा, आज नई सी लोकेशन है, मीरपुर वाली रोड नहीं है, नई सी लोकेशन है। क्या मैं जा रहा हूँ फिलहाल, यार बोतल रखी है ना पीछे, तो यार मैं जा रहा हूँ रोटा वाले पेट्रोल पंप है, क्योंकि मैं कल शाम बाइक लेकर आया था और यार उसका तेल खत्म हो गया था घर आते ही, तो बस उसको ले जाने के लिए कहीं पेट्रोल भी तो चाहिए। तो बस यही वाली बात है, उनका भाई गांव में रह मैं तो भाई पेट्रोल तो दूर से लाना पड़ेगा, 5-7 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, साइकिल ले रहा। और तुम कह रहे हो उनका बेटे साइकिल ज्यादा चला रहा आजकल लोकल में, पैसा बचाना तो साइकिल भी चलानी जरूरी है, हमको सिखा रहा है। अच्छा और चलो एक काम करता हूँ, गाँव के बाहर तो एक सीन करता हूँ आज आपको अपने गाँव का हल्का हल्का सा टूर देता हूँ, मतलब बाहर से पूरा तो टूर नहीं दे सकता, पूरा के तो किसी दिन और वीडियो बना दूंगा मैं, बट बाहर से थोड़ा थोड़ा टूर देता हूँ, हल्का हल्का सा, जितना चमक रहा है यहाँ से गाँव उतना टूर देता हूँ। टूर के सबसे शुरुआत में इस वाली रोड पर खड़ा हूँ मैं, जो कि गाँव के बाहर है, ये वाला शिव मंदिर है और ये इधर पूरा गाँव है, इधर पूरा का पूरा गांव है। हमारे गांव में दो टावर हैं, एक खड़ा टावर है एक वो खड़ा, और ये पूरा का पूरा गांव है, ये दो झोड़ हैं, झोड़ तालाब कुछ ही, और इसी के जस्ट अपोजिट में माय फेवरेट 400 मीटर का ग्राउंड। ये 400 मीटर का ग्राउंड है, मतलब इतना अच्छा तो खैर बना नहीं रखा, बट ग्राउंड है तो ग्राउंड है, इज्जत है बहुत कैडी इस ग्राउंड की। इससे पहले हमारा ग्राउंड उधर हुआ करता था, इस मंदिर से पिछली साइड में दिखाऊंगा आपको, बट अभी 400 मीटर का बना दिया, उधर 200 मीटर का था अभी 400 मीटर का बना दिया पूरा। ट्रैक के मध्य में अगर आप देख पाओगे तो यह है मेघनाथ का मंदिर, मेघनाथ भगवान जी जानते ही हो गए आप लोग, और ये ग्राउंड हो गया, इसी के जस्ट बराबर में शिव मंदिर है, इसको दिखाता हूँ। स्टेडियम का नाम भी बाबा मेहरनाथ के ऊपर। तो गाइज ये हमारे गांव का शिव मंदिर, शिव में मतलब इसमें हर तरह की मूर्तियां हैं, लेकिन यह शिव मंदिर हमारे गांव का बहुत प्राचीन मामला है, जो हमारा तिरंगा होता है उसका स्टैंड बनाया गया है, जो कि मतलब हाल ही में बना, अभी मतलब पहले से नहीं है, हाल ही में बना है, ये भी बहुत सुंदर कार्य किया गया है यार हमारे गांव में। मंदिर के अंदर से किसी दिन फिर घुमा दूंगा आपको, बस ये पीछे मंदिर है कुछ। कल तो यार साइकिल लिया खड़ी पेट्रोल लेने चलता हूँ, क्योंकि फिर जाना मेरठ, तो 2-3 काम वहाँ पे भी मेरठ भी, तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। किसी दिन अपने गाँव का टूर दूंगा आपको, मंदिर मंदिर का सबका टूर दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा वो भी देख। ठीक है, यहाँ पाइपलाइन लगनी है क्या? पाइपलाइन लगवा देंगे यहाँ पे ना, बेफिक्र रहो, लगवा दे बिल्कुल। घेर का घर का आगे लग गई, घेर का आगे भी लगवा देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी लगवा देंगे, यहाँ पे भी लगवा देंगे, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है जी, राम राम जी, राम राम जी। और गाइस बस ये मंदिर है, तो मैंने साइकिल उठा ली, जल्दी जल्दी मैं आपको दूसरा ग्राउंड रोड दिखाता हूँ, जो पहले 200 मीटर का ग्राउंड था ना, अब तो ये 400 का मिनट का पीछे है, जो पहले 200 मीटर का ग्राउंड था वो और दिखा दूँ। बाउंड्री से दिखाऊँ तो कुछ ये है ग्राउंड, ग्राउंड क्या, ये सरकारी स्कूल है, इसी में ग्राउंड बना रखा था। तो गाइज ग्राउंड तो आपको क्या ही दिख रहा होगा, यहाँ पे तो बननी जा रही है वाटर की टंकी, यानी कि पानी की टंकी, जिसकी लाइन पूरे गाँव में बिछी पड़ी है, और इधर एक स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो मतलब इस क्षेत्र में ग्राउंड था 200 मीटर का ग्राउंड था, जिस पर पहले प्रैक्टिस कर रहे थे हम, चलो अच्छी बात है यार, अब वहाँ पे 400 मीटर का बन गया। बस गाइस कुछ मोटा मोटा सा हल्का हल्का सा और आगे दिखाता हूँ, अगर आगे दिखता है। और गाइस मौसम की तो क्या ही बात करो, एक नंबर मौसम हो रहा, और होना भी चाहिए क्योंकि यार कई दिन से गर्मी पड़ रही, तो भाई मौसम का भी होना जरूरी यार, ऐसा कैडा। पर यार हमारे गांव का व्यू देखो आप बाहर से, एक नंबर लगा है वैसे तो गांव, बट कुछ कारणों की वजह से यार बुरा भी लगा है मुझे। ओ तेरी बाण न खाया, बढ़गी 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 बढ़गी। तो गाइज पेट्रोल ले लिया है मैंने इतना, जितने तक की मोटरसाइकिल घर से पेट्रोल पंप तक आ जा, तो अब तो मैं घर जाके खाना खा के नहा के तभी मिलूंगा आपसे। तो हाँ जी, नहा दो के रेडी हो गया एकदम, बस अभी डायरेक्ट मेरठ चल रहा, मीरपुर तक मुझे भैया छोड़ आऊंगा बाइक पे, उसके बाद तो मैं चला ही जाऊंगा कैसे ना कैसे। 15 minutes later. तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ फिलहाल रोटा बाईपास पे। गाइज मैं जैसे रोटा बाईपास पे आया, आने से थोड़ी देर पहले ही मामा के लड़के का फोन आया, अंकित था, नुसीलू कहाँ है? मैं कहा भाई मेरठ हूँ, नुका मैं रोटा बाईपास पे हूँ, मैं कहा एक मिनट मार लिया, मैंने सागर भाई को कॉल कर दी, वे भी यार लग रहे एक बार यहीं पास में थोड़ी सी दूर खड़े हैं, उनसे मिलना है एक बार अंकित भाई से, पिछले ब्लॉग में देखा होगा ना, देखा तो अब देख लो एक बार, तो सागर भाई यार लग रहे एक बार उनके साथ चलना।
तो सागर भाई भी आ गया फाइनली। अबे चश्मे ब्लैक ने, आज मैंने पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे काले चश्मे में, इन्हीं चश्मे के साथ जल्दी फास्ट 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 फास्ट। मामा के लड़के खड़े हैं पास में, कहाँ है यहीं पास में बंडर सिटी भाई पहले छत्ते कड़ी चावल चल रहे हो ना। अरे वो खड़े हैं ना मामा, और भाई का लुक देखो जबरदस्त लग रहे। कबीर सिंह के चश्मे एंड अनुज तालियान वाली टी शर्ट, बाइक भी दिखाता हूँ। यार बाइक भी अपनी बहुत अच्छी है, पैशन एक्सप्रो 2016 से साथ दे रही है, बहुत बढ़िया। फाइनली गाइस अंकित भाई मिल चुके हैं हमें, सागर भाई भी आ गए। तो गाइस अंकित भाई की बात ठीक नहीं है, मतलब मिलने हम सारे और नु कह रहा था मत दिमा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सीलू भाई मुझे बुला के अपने मामा के लड़के के साथ हो गए बिजी, और मेरे हाथ में दे दिया फोन कि मेरा व्लॉग बनाता रहे। ये आ गए कैंटीन में, अब पता नहीं क्या लेंगे, मेरा तो कुछ मन है नहीं खाने का। तो कुछ मन है नहीं खाने का। एहे। देखते हैं क्या लेंगे, समझ नहीं आ रही बात। मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, कान्हा जी की जन्माष्टमी चल रही है, मैं तो दोस्तों रास्ते में भंडारा मिला था मुझे, मैं तो रास्ते में प्रसाद खा के आ गया था। मैं लग रहा था रास्ते में, अंकित भाई का तुरंत फोन आया, सीलू कहाँ है, मगर मेरा टूटी भी नगर में थोड़ा सा नाश्ता अंकित भाई के साथ। लो भाई यहाँ पे नाश्ते की तैयारी, ये थोड़ा सा टी ब्रेक हुआ है हमारा 10 मिनट का। भाई सीलू अंकित भाई को विदाई देते हुए, विदाई में सामान दे रहे हैं हम, एक गिलास एक थम्सअप की बोतल, पर रास्ते में कुछ गड़बड़ नहीं करनी, बस पानी पीना है इसके अंदर ना, चकना दिया नहीं हमने। हाँ चकना नहीं दिया, चकना रास्ते से ले लेना। ठीक है भैया, भैया की गाड़ी पीछे पार्किंग में लग रही है। तो गाइस अंकित भाई को हमने छोड़ दिया है, मतलब ये चले गए, हम जा रहे हैं अब घर पे, सागर भाई के घर पे। तो गाइस फिलहाल हम रुके हैं जैन मंदिर में, मेरठ वाले जानते होंगे, ना जानते तो जान लो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रुके, क्योंकि एक रील शूट करनी है यहाँ पे, ऑन रोड की एक रील है, जाके देखना सागर भाई की मौज आईडी पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। रील कंप्लीट, बैकअप बैकअप बैकअप। कॉलेजों की छुट्टी हुई ना, कोई बात नहीं, उस भीड़ को तो हम झेल लेंगे। सागर भाई जोन सी भीड़ को कह रहे हैं, उस भीड़ को झेल लेंगे। नहीं भाई नहीं झेल ली, नहीं झेल ली, नहीं चाहिए ऐसी भीड़, नहीं चाहिए। तेरा सोचा तेरा सास बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कृष्ण छठी के उपलक्ष में हर जगह शहर में भंडारे हो रहे हैं आज। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं सागर भाई के घर पे, और इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा केस करा दिया, अभी दर्द हो रहा। पता नहीं घंटा हो लिया किक के दिखा रहे, क्या परसों गाना सुना जा रहा था, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। अब मुझे ना पता नहीं किसे भूलना चाहा किसको भुला ना पाए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ओ यार मतलब हम केदारनाथ की ट्रिप करने वाले हैं, और केदारनाथ का गाना चला दिया है। बहुत मजे आएंगे। कठघना कठघना कॉपीराइट आ जाएगा, ये चैलेंज ना लगे। लगी लगी लगी, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकता हूँ, इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस, वन टैलेंट है, टैलेंट है। सागर भाई की एक रील शूट करनी, लेकिन एक सेकंड भाई भाई मुजरा नहीं करना यार, टिकटॉकर नहीं है तू, तेरा मैं क्या करूं, तेरे मुंह पे थू, अबे मैं इतने गुस्से वाला तोड़ दूं मोटे से मोटा एक घूसे में ताला, और मैं उल्टी खोपड़ी कर नहीं है, मोजर है, मोजर मोजर जोगिंदर फरा भाई जोगिंदर। रील बना देगा, कितनी रील बना देगा, सोची ना होगी। एक शूट कंप्लीट,
इस चेयर के साथ में हुआ था। दूसरा शूट सागर भाई अपना देख रहे, स्क्रिप्ट पढ़ रहे, स्क्रिप्ट मुझे मौत से ले 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 कैमरा दे ले मुंह में ले 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 ऐसे गाने पे डांस कौन करता है भाई जान इसार इस गाने में तेरे प्यार बस मेरे बस तू ही कर ले बस मैं जा रहा तू ही कर ले थानेदार आशीष आशीष थानेदार पालन थानेदार ये आशीष ये हमारा पालन थानेदार आशीष क्या टूट गया क्या टूट गया आशीष की नाक टूट गई ऐसे कौन सोवे तो सागर भाई ने मंगवा दिया चाय, चाय के शौकीन सागर भाई मैं हाँ, चाय का शौकीन और क्या मैं तेरे साथ पीता हूँ बस चाय चाय भी किसके गिलास में मंगवाई मैं चाय पीऊंगा तो केवल कंच के गिलास में पीता हूँ उसके गिलास में मुझे पसंद है ब्रिगेडियर है तू गजब बेइज्जती है तुझे पता एनसीसी में जब हम मतलब ब्रिगेडियर को कंच के गिलास में पिया हुए थे इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है बढ़िया बन रही है गजब एकदम मैं भी टेस्ट करता हूँ टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है कितना बढ़ाई एक नंबर की घटिया मिठा कम है भाई अब ये एक गिलास चाय में एक किलो चीनी डाल के पीने वाले आदमी अब मैंने दो चम्मच डाल के दे तो मिठा कहाँ से लगेगा इसे ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने बर्फी खान को अब बर्फी ले कहाँ है उसके बर्फी खम्मा साथ में तब जाकर मिठा बनेगा और साथ में बैठ के देख रहे हैं मैं और सागर भाई अपना व्लॉग अपना नहीं दोनों का है भाई आपका ही है नहीं 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 भाई दोनों का है भाई आशीष हाँ आशीष भाई कहीं हो तो सुन ले हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ आप भी नोटिस कर रहे होगे आशीष तो गायब है कई दिन से उसके भी चल रहा कहीं ना कहीं काजू खा के तबीयत खराब है सीलू यू कौन है भाई अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो उसके ऊपर उसका काजू वाजू का इलाज करो थोड़ा सा बात देखो इतनी बड़ी स्क्रीन पे भी वीडियो की क्वालिटी नहीं घट रही इसका मतलब मोबाइल में बात है और मोबाइल दीवाने वाले में भी बात है किसकी वीडियो देख रहे कमेंट करके बताइए ये देखो सारा दिन बस यही बॉडी बनानी बॉडी घटानी ये नजर लग जाती है थारा भाई जोगिंदर जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर फिलहाल सागर भाई के घर से निकल चुके हैं सारा काम हो गया रील वील सब शूट होगी जितनी भी थी देख लेना आप सागर भाई वाली आईडी पे शायद मेरे पास भी आने वाली है तो ठीक है सागर भाई मिलते हैं नेक्स्ट टाइम भी फिर मिलेंगे कल या परसों में मैं हिंदी में बोल रहा नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मिले नेक्स्ट टाइम एक घंटे बाद भी हो सके टुमारो कर दो टुमारो कल ही मिलेंगे भाई नेक्स्ट टुमारो पे एक और मारो तो गाइज मीरपुर वाले रास्ते पे उतर गया मीरपुर वाले रास्ते पे क्या उतर गया मतलब मीरपुर उतर गया भदौड़ा वाले रास्ते पे हूँ नु कह रहे होगे जाते टाइम तो बैग था ना आते टाइम कैसे तो इसमें थोड़ा सा सामान लाया सागर भाई का छोटा सा बैग है इसमें थोड़ा सा सामान रखा जो कि सागर भाई के यहाँ से आया तो ठीक है गाइज आज का व्लॉग शायद इतना ही टाइम हो चुका है 6:55 वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना वीडियो कमेंट करके बताना कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी मिलते हैं जल्दी ही बढ़िया सी वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग